दोस्तों आइए चलते हैं मंगल ग्रह की रहस्यमय दुनिया में। इस सफर पर मेरे साथ चलने के लिए आप सभी का स्वागत। आप सभी के अंदर एक ख्याल तो कभी न कभी आया ही होगा कि आखिर इतने सारे स्पेस मिशन मंगल पर ही क्यों भेजे जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मंगल ग्रह पर मिशन आज से नहीं भेजे जा रहे हैं। मंगल के लिए पहला मिशन नासा के द्वारा भेजा गया था, जो कि एक फ्लाई बाय मिशन था, जो कि सफल नहीं रहा था। यह मिशन मारिनर 1 था, जो कि जुलाई 22, 1962 को भेजा गया था। मंगल पर जाने में लगने वाला समय, वैज्ञानिक मंगल पर किसी भी तरह के मिशन को एक खास समय में ही भेजते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और मंगल भी सूर्य का चक्कर लगाता है। तो ऐसी स्थिति में मंगल और पृथ्वी के बीच की दूरी घटते बढ़ती रहती है। वैज्ञानिक किसी भी मार्स मिशन के लिए उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक धरती और मंगल एक दूसरे के एकदम करीब न आ जाएं। इस दौरान ही किसी भी तरह के मंगल मिशन को अंजाम दिया जाता है और यह समय हर 2 साल में एक बार आता है। हर 2 साल में एक बार पृथ्वी और मंगल एक दूसरे के सबसे करीब होते हैं, उसी दौरान किसी भी तरह के मंगल मिशन को लॉन्च किया जाता है। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अब आप ये सोच सकते हैं कि जब हम पृथ्वी से कोई मिशन मार्स पर 2 साल में केवल एक बार किसी खास समय पर ही भेज सकते हैं, तो अगर हम मंगल पर जाते भी हैं तो हमें भी मंगल से धरती पर लौटने के लिए कम से कम 2 साल का इंतजार तो करना ही पड़ेगा। इतने समय तक किसी इंसान का किसी अन्य प्लेनेट पर रहना कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो हम सभी जानते हैं। और चलो मान लिया हमारे पास मंगल पर 2 साल रुकने के लिए बेस भी है, पर फिर भी हम एक मनुष्य हैं, मशीन तो नहीं। हमें वहाँ पर मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नासा इस समय इस समस्या का समाधान भी ढूंढ रहा है। नासा के द्वारा कुछ ट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इन लोगों को लंबे समय के लिए कमरे में बंद कर दिया गया है, ताकि ये देखा जा सके कि ये लोग कितने समय तक इस तरह से अकेले रह सकते हैं, जो कि आने वाले मिशन के लिए काफी जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। मैं इस मंगल के सीरीज को जारी रखूंगा। आने वाले वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल पर जाने के लिए हमें किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।